और भारत की पहली फेम जोड़ी है जनता से इस मंच पर आखिरी बार क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी कामयाबी के पीछे एक इंसान है, एक शख्स है। मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने मुझसे फोन पे बात भी की, वो मेरे चाचा जी है, ही इज अ प्रोफेशनल सिंगर, बट मैंने कभी उनसे सीखा नहीं है। और उन्होंने मुझसे कहा कि काजी तुम एक दिन सबसे सुरीला गाओगे, लेकिन तुमने सीखा नहीं है, लेकिन तुम ऐसा करोगे एंड यू विल विन दिस कॉम्पिटिशन। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझसे ऐसा कहा। उनका नाम है काजी रफी जी और ये टाइटल जो है ये उनके नाम। रुचि, गुरुकुल में जब पहले दिन आई थी तभी मन में विश्वास था कि मैं फेम जूरी बनूंगी और इस विश्वास को लेके मैंने आगे बढ़ती गई। तो इस कामयाबी के पीछे जिसका बहुत बड़ा हाथ है वो है मेरे पिताश्री प्रदीप बनर्जी, माय मॉम आल्सो कविता बनर्जी एंड माय गुरुजी अंजू चक्रवर्ती, माय सर डॉक्टर मधुसूदन दे एंड देशवासियों। अब तो एक साथ कहेंगे हम जजेस, फैकल्टी, हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं, इनसे कहना चाहते हैं बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें इतना काबिल समझा। थैंक यू सो मच। अब रूपरेखा ना सिर्फ अच्छी हिंदी बोलने लगी है, अब तो स्पीचेस भी देने लगी हैं, है ना जावेद साहब? आप हमारी जोड़ी, इंडिया की पहली फेम जोड़ी से क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो इन दोनों को पूरे दिल से शंकर, केके और अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा और दो तीन बातें बहुत जल्दी से कहना चाहूँगा, इसलिए कि इस वक्त ये कुछ ख़ास बातें सुनने के मूड में होंगे नहीं। पहली बात तो ये है कि रूपरेखा तुम सच बोलती हो और एक बात तुमने कही थी कि मैं अंदर से भी खूबसूरत हूँ। वाकई तुम अंदर से खूबसूरत हो इसलिए कि तुम सच बोलती हो। और वही रोशनी जो अंदर की है, तुम्हारी अंतर आत्मा की, तुम्हारे मन की, वही तुम्हारी आवाज़ है। उस रोशनी को कभी मध्यम मत होने देना, जब तक वो है तब तक तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, खूबसूरत है। काजी, आपसे मैं कहना चाहूँगा
कि आपने दिखा दिया कि कछुए खरगोशों से कैसे जीतते। आप यहाँ खड़े हैं तो दो वजह से, एक वजह से कि आपने बेपनाह डिटर्मिनेशन, बेपनाह मेहनत, बेपनाह लगन, फोकस, और दूसरी वजह यह है कि हिंदुस्तान के कोने कोने के लोगों ने आपसे मोहब्बत की। आजी इतनी मोहब्बत अकेले कहाँ रखोगे, इसे हो सके तो कश्मीर में बांट देना। देखे क्यों है कि नहीं नंबर वन जोड़ी,
में याद आएंगे।